हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए कमाल धमाल वीडियो लेके आया। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे नंबर का स्क्वायर करना अब आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कि पहले आप इस तरह से लिखते थे, फिर पूरा कैलकुलेशन करते थे और यहां पर जाकर आंसर होता था। लेकिन दोस्तों अब ये मेथड नहीं करना है, क्योंकि आज आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूं कि ऐसे करने की जरूरत आपको नहीं होगा। सिंपल क्या करना है दोस्तों, देखिए यहां पर 102 का होल स्क्वायर दिया है। आपको क्या ध्यान रखना, दो डिजिट देखिए यहां पर 02 है। फोकस किस पे करोगे, 2 पे फोकस करोगे। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है, 2 डिजिट मेंटेन करना है। तो 4 यहां पर है तो 2 डिजिट मेंटेन करेंगे तो 0 रखना पड़ेगा यहां पर। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, यहां पर 102 दिया है तो 102 यहां पर लिख लीजिए। फिर क्या करोगे, आपको प्लस करना है, 2 प्लस करना है। तो 102 प्लस 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 104 मिलेगा। और ये नंबर को आपको यहां पर लेना है। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर आ गया। इतना लेंथी मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिंपल मेथड से आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए आपके लिए और एक नंबर लेके बताता हूं आपको। यहां पर लिखता हूं मैं 107 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। देखिए यहां पर 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। यहां पर मैंने लिख लिया 49 लिख लिया। उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, 107 दिया है तो 107 लिख लिया। मैं यहां पर प्लस 7 करूंगा तो 107 प्लस 7 कितना होगा दोस्तों, 114 होगा। और ये नंबर को यहां पर लिख लूंगा मैं और ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। और एक नंबर लेके बताता हूं आपको मैं, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों यहां पर मैं 109 लिखता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं तो यहां पर 9 दिया है तो 99 जो कितना होगा, 81 होगा। और दोस्तों यहां पर 109 प्लस 9 करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 118 मिलेगा। और इस नंबर को यहां पर लिख लूंगा मैं और ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक अभी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ चीज आपको सीखना होगा जिससे एग्जाम में आप मिस्टेक ना करो। कैसे मिस्टेक होगा देखिए यहां पर। अब नंबर देखिए ऐसा आ जाए तो यहां पर 110 दिया है, ठीक है। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि लास्ट में देखिए यहां पर 2 डिजिट जो है यहां पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो यहां पर 100 होगा। और मैंने आपको पहले क्या कहा है कि 2 डिजिट मेंटेन करना है, तो ये 00 आपको याद रखना है, 1 को आपको याद रखना नहीं है। यहां पर 00 लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद सुनिए आप क्या करोगे, 110 में आप प्लस क्या करोगे, प्लस 10 करोगे। और ये जो 1 आप भूल गए थे इसको क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 110 प्लस 10 120, 120 प्लस 1 कितना होगा, 121 होगा। तो यहां पर आप 121 लिख लोगे और आपका आंसर आ गया। सिंपल दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपके लिए, ऐसे सम्स और भी लेके आ रहा हूं मैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सम स्ट्रक्चर्स पर दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ खास लेके आया हूं। क्या खास बात है आइए आपको बताता हूं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बुक रिफर करने वाला हूं मैं। ये बुक दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये है कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें जिससे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आप लोगों के लिए ये बुक है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों CBSE चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बुक के अंदर 1100 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक चीज यहां पर डिटेल में मिलेगा आपको। और साथ ही साथ दोस्तों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी यहां पर दिए हुए हैं। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट हुए हैं इन 10 साल में, उन 10 सालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। और आपको यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां पर जो क्वेश्चन में अटक जाओगे वहां पर QR कोड दिया हुआ है, वो QR कोड को स्कैन करके भी इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि एक पेज मैंने यहां पर देखा है, उस पेज में एक लिखा हुआ है कि आपके खुद एग्जाम क्रिएट कर सकते हो, मतलब सैंपल पेपर क्रिएट कर सकते हो भी 2 मिनट में। और आपको यहां पर फैसिलिटी ये दी गई है कि आप इजी, मीडियम, हार्ड ये सब चीज आप सेट कर पाओगे और टाइमर भी सेट कर पाओगे। किसके अंदर देखोगे, oswal.io के अंदर। तो ये दोस्तों यहां पर QR कोड स्कैन करना है जिससे आप इजीली आप अपने सैंपल पेपर क्रिएट कर सकते हो और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लगी है, इसलिए मैं आपको रिफर कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाके आप परचेस कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको और भी नंबर लेके सिखाता हूँ कि कहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि कहीं पे आप मिस्टेक ना करो। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं 112 लिखूंगा मैं, ये करके बताऊंगा आपको मैं, और देखिए नंबर यहां पर लेने जाऊंगा मैं 125, इसको भी आपको करके बताऊंगा, और लास्ट में देखिए यहां पर 168 को भी आपको करके बताऊंगा। दोस्तों यहां पर लिमिटेशन भी है कि कितने नंबर तक ये ट्रिक काम आएगा, वो भी मैं बताऊंगा एंड में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहां पर 112 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? सिंपल दोस्तों, फोकस करना है लास्ट टू डिजिट में, तो 12 का स्क्वायर क्या करोगे दोस्तों? 144 होगा, तो 144 मतलब आपको ध्यान रखना है 44 पे ध्यान रखना है, तो 44 मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। 1 क्या होगा? कैरी में चला जाएगा। अब क्या करोगे? 112 + 12, और ये 1 क्या होगा? +1 पे आ जाएगा, तो 112 + 12 कितना होगा दोस्तों? 124 होगा, और 124 + 1 कितना होगा? 125 होगा, और 125 मेरा यहां पर आ गया, इसको मैं यहां पर लिख लूंगा, और देखिए ये आंसर आ गया, सिंपल है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं सॉल्व करके बताता हूं, 125 का होल स्क्वायर है, फोकस किस में करना है दोस्तों? लास्ट टू डिजिट में फोकस करना है, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625 होगा, तो 625 में हमें टू डिजिट ही लेना है, 3 डिजिट लेना नहीं है, तो यहां पर मैं 25 लिखूंगा, और ये 6 क्या होगा? कैरी में आ जाएगा, ठीक है। तो 125 + 25 + 6, तो 125 + 25 कितना होगा? 150 होगा, और 150 + 6 कितना होगा? 156 होगा, तो यहां पर आप लिख लोगे 156, और आपका आंसर देखिए आ गया। बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में यह आएगा कि सर 68 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों घबराइए नहीं, आपको हर एक चीज सिखा के जाऊंगा यहां पर। देखिए दोस्तों, अब यहां पर 68 का स्क्वायर निकालना है, और 68 का स्क्वायर कैसे निकाले? मल्टीप्लाई तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए 68 यहां पर लिख लीजिए, ठीक है, ट्रिक सीख के जाइए यहां पर। देखिए ये 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का क्या होगा? 36 होगा, तो यहां पर 36 लिखोगे, ठीक है। फिर दोस्तों ये 8 है, तो यहां पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 64 होगा, तो यहां पर आप 64 लिखोगे। अब दोस्तों देखिए यहां पर 2 8 16 16 6 96 होता है, राइट, लेकिन आपको नहीं आता है तो उल्टा कर लीजिए, यहां पर 6 8 48, और 48 का डबल कितना होगा? 96 होगा। जैसे करना हो वैसे कर सकते हो, कहने का मतलब यह है कि ये 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो यहां पर मैं 96 लिख लेता हूं एक नंबर छोड़कर, यहां पर 4 लिखूंगा, 6 + 6 कितना होगा? 12 होगा, तो 2 यहां पर कैरी, 9 + 1 10 10 + 6 16, तो 6 यहां पर कैरी, 1 चला गया, 3 + 1 4, ठीक है, ये नंबर आ गया। अब क्या करोगे? 2 नंबर पे फोकस करना है, लास्ट टू डिजिट, तो यहां पर लिखोगे 24, और ये दोस्तों 46 जो है कैरी में चला जाएगा, तो यहां पर क्या होगा? 168 + 68 + 46, तो ये 46, तो 168 68 और 46 प्लस कर लीजिए, 8 + 8 कितना होगा? 16 होगा, 16 + 6 कितना होगा? 22, तो यहां पर कैरी चला गया, 6 + 4 10 10 + 6 16 16 + 2 कितना होगा? 18, तो 8 और यहां पर 1 कैरी, 1 + 1 2, देखिए यहां पर 282, तो यहां पर आप लिख दोगे 282 और आपका आंसर आ गया। दोस्तों अगर प्लस का ट्रिक सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके भी देख सकते हो आप। अब देखिए दोस्तों, मैंने हर एक चीज सिखा दिया, मैं अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये ट्रिक कहां पर काम आएगा और कहां पर काम नहीं आएगा। दोस्तों ये ट्रिक दोस्तों 101 से लेकर 199 तक काम आएगा आपको, उसके अलावा काम नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो कि कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर आपको अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है बहुत पहले, अगर आपने देखा नहीं है तो उसको देख लेना, जिससे आप हर एक चीज सीख सको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो से कुछ सीखे हो दोस्तों तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आया कि नहीं आया वो भी कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट आपका एक लाइक हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सके। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।